राइट टू हेल्थ बिल को वापस लाने की मांग को लेकर प्राइवेट अस्पताल सोमवार को ब्लैक डे के रूप में मनाते हुए जयपुर में महाप्रदर्शन करेंगे। साथ ही चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो कई चिकित्सक राजस्थान से पलायन कर पड़ोसी राज्यों में चले जाएंगे। भीलवाड़ा में रविवार को IMA भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने यह बात कही। इस मौके पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाए गए बिल की खामियां बताई गई और यहां दर्शाने का प्रयास किया गया कि इस बिल से निजी चिकित्सालय बर्बाद हो जाएंगे और रोगियों की इमरजेंसी के नाम पर मौत मिलेगी। इसे लेकर चिकित्सकों ने कई तर्क भी दिए। एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश काबरा ने कहा कि सोमवार को ब्लैक डे मनाने के साथ ही भीलवाड़ा से 100 के करीब चिकित्सक जयपुर महापड़ाव में शामिल होंगे। एक सवाल के जवाब में IMA के अध्यक्ष ने कहा कि अगर बिल वापस नहीं लिया जाता और हालात नहीं सुधरे तो फिर निजी चिकित्सालय पलायन कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में निजी चिकित्सालय और चिकित्सक जा सकते हैं। वर्तमान में गंभीर पीड़ित मरीज पड़ोसी राज्यों में ही उपचार के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वहां मिलने वाली सुविधाओं और यहां होने वाले शोषण की भी चर्चा की है और कहा कि यह न जमीन रियायत दर पर मिलती है न ही बिजली में रियायत सरकार देती है और उम्मीद फ्री चिकित्सा की करती है। राजस्थान की प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स, क्लिनिक्स हम सभी ने बंद की हुई है और आज लगभग 8 दिन हमारे यहाँ पे हड़ताल को हो चुके हैं। पूरा राजस्थान बंद है और ये बंद होने का कारण RTH बिल जो लाया गया सरकार द्वारा उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत विसंगतियां हैं जिसमें हम अपनी सेवाएं सुचारू रूप से बिना लड़ाई झगड़े के दे पाएं ऐसी हमें संभावना नजर नहीं आती। इसीलिए RTH बिल को वापस लेने का हमारा आह्वान और हमारा आंदोलन जो चल रहा है लगातार ये इसी बात पे चल रहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए क्योंकि इस बिल में हर पॉइंट पे कुछ न कुछ परेशानियां हैं। इसी के आगे बढ़ाते हुए 27 तारीख को ब्लैक डे मनाया जा रहा है, काला दिवस मनाया जा रहा है और सभी जिलों से हम डॉक्टर्स जयपुर पहुंच रहे हैं और वहां पे कल रैली का आयोजन किया गया है और सरकार को हम फिर से कहेंगे इस बिल को आप वापस लीजिए और हमें वापस सेवा का मौका दीजिए क्योंकि चिरंजीवी योजना, RGHS योजना, ये RTH बिल के बहुत ही पहले से हम इन पे काम कर रहे हैं लेकिन अब जो बिल आया है उसमें कुछ चीजें ऐसी आ गई है जिसमें हमारा स्मूथ सेवाएं देना बहुत मुश्किल होगा और कहीं डॉक्टरों की इसमें जान जोखिम में जाएगी इमरजेंसी में और लड़ाई झगड़े रोज बढ़ेंगे और हमें प्रोटेक्शन पूरा चाहिए वो अभी पूरा मिल नहीं रहा है।